वक्त के साथ ना टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, हर रोज टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशन होते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कम बजट में सोलर सिस्टम लगवाना है अपने घर पे, और उनके लोड भी बहुत ज्यादा नहीं है, एयर कंडीशनर उनको चलाना नहीं है, घर के बाकी सारे लोड उनको चलाने हैं, उनको जो सोलर सिस्टम लगवाना है वो एक बजट में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं कि एक बजट में एक ऐसा सिस्टम उन्हें मिल जाए कि जिस सिस्टम से पूरे घर का वो लोड चला पाए, सिस्टम सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हो ताकि अगले 10-15 साल उनको कोई सिस्टम कोई टेक्नोलॉजी में अपग्रेड ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 1 KVA का सिस्टम बताने जा रहा हूं, जिस सिस्टम पे आप अपने घर का पूरा लोड चला पाएंगे। और जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, 1 KW की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है, सारी टेक्नोलॉजी के सिस्टम आज मैंने यहाँ पे लगवा रखे हैं। पूरी प्राइसिंग मैं आपको बताने वाला हूं, कितने रुपए में पड़ेगा, किस तरीके से आप सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का सिस्टम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, किसी भी सोलर सिस्टम को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है, सोलर इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल। ये तो है ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड के लिए, और आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ आपको इन्वर्टर और पैनल की ही जरूरत पड़ने वाली है। ऑन ग्रिड सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि केवल ग्रिड के साथ में काम करता है, अगर आपके घर पे बिजली अवेलेबल है तो ही वो सिस्टम काम करेगा, वरना सिस्टम काम नहीं करता है। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ ये है ऑफ ग्रिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको ग्रिड की आवश्यकता नहीं है। ग्रिड आप रखना चाहें रखें, ना रखना चाहें ना रखें, आपका सिस्टम 24 घंटे आपका घर का लोड चलाता रहेगा। इंडिया की जो भी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो सारी टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर, बैटरी, पैनल मैंने सब लगवाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पैनल से कि आपको पैनल जो है वो 1 KW सिस्टम पे कौन सा पैनल आपको लगवाना चाहिए, कितने रुपए में आपको पड़ता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये है इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का 580 वॉट का बायफेशियल पैनल, और ये पैनल जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से काम करता है, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों से ये पैनल काम करता है। दुनिया की सबसे लेटेस्ट जर्मन टेक्नोलॉजी का हाफ कट मोनोपर्क सेल इसके अंदर लगा है, और ये एन टाइप के सोलर सेल से मिलकर बना है। अब एन टाइप के सोलर सेल्स से बना होने की वजह से ये पैनल लो लाइट कंडीशन में बहुत ज्यादा काम करता है। दूसरे नंबर, इस पैनल के टूटने फूटने की संभावनाएं बहुत कम है। तीसरा, इस पैनल पे आपको इंडिया में सबसे ज्यादा 30 साल की आपको वारंटी मिलती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है मोनोपर्क हाफ कट की, इसमें 1 KW पैनल में आपको 6 यूनिट आपको मिल जाएंगे। इंडिया की कहीं किसी लोकेशन में मे बी पॉसिबल 6.5 यूनिट मिल जाए, और कम से कम आपको 5.5 यूनिट से मिल ही जाएंगे। कुछ लोकेशन ऐसी है जहां पे धूप कम रहती है तो वहां पे 5.5 एवरेज जो है साल के 320 दिन का, वहां पे करीब 6 यूनिट का एवरेज इस पैनल का आता है। तो आपको नंबर ऑफ पैनल जो है, अगर आप एक लेना चाहते हैं तो एक पैनल से आप समझ लीजिए कि करीब आपका 3 यूनिट, और अगर आपने 2 पैनल इसके लगवा लिए तो करीब 6 से 6.5 यूनिट आपको पर डे का प्रोडक्शन मिल जाएगा। आप इतने प्रोडक्शन में आप अपना फ्रिज चला सकते हैं, वॉशिंग मशीन चला सकते हैं, पंखा, कूलर, टीवी, सारा आप जो है अपना लोड चला पाएंगे। अगर कोई दुकान चलाते हैं आप तो दुकान का पूरा लोड इससे चला सकते हैं, डीसी कूलर आपने लगाया हुआ है आप वो चला सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके यहाँ पे हाफ HP का कोई समरसेबल पंप लगा है, हाँ, या फिर वो टुल्लू पंप आते हैं, टुल्लू पंप लगा है, तो आप टुल्लू पंप का लोड भी इतने प्रोडक्शन में चला पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये तो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो ये पैनल है ये आपको 26,000 रुपए में पड़ता है इंक्लूडिंग GST। और अगर आपको सस्ता पैनल लेना है तो माना आपने 500 वाट का या 550 वाट का आपने थोड़ा सस्ता पैनल ले लिया, पी टाइप ले लिया, तो वहां पे आपको ये है कि ये पैनल 1 KW में 6 यूनिट बना के देता है। वहां पे आपको थोड़ा पैनल सस्ता मिल जाएगा, 20-22 हज़ार रुपए का पैनल मिल जाएगा, पर वहां पे उसका प्रोडक्शन भी उतना ही कम होगा। मतलब यहाँ पे आपको 1 KW में मिलता है 6 यूनिट, तो वहां पे आपको 1 KW में 5 यूनिट से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो किसी भी कंपनी का आपको सोलर पैनल लगवाना है, आप कंपनी से पता कर लीजिए कि रिटेन में वो कितना अपना जनरेशन की गारंटी करते हैं। अब इसके साथ ही एक पोली पैनल्स होते हैं मार्केट में, सबसे सस्ते पैनल्स होते हैं, वहां पे आपको 3.5 से 4 यूनिट ही मिलता है, पर पैनल जो है वो आपको 17-18 हज़ार रुपए का मिल जाएगा। तो बात वही है कि अगर आपने सस्ता पैनल ले लिया, मतलब पोली पैनल ले लिया, पोली पैनल आपको मिला 30 से 32 रुपए वाट का, वहां पे आपको मिलती है 4 यूनिट पर किलोवाट में, पर यहाँ पे अगर आपने अच्छा पैनल लिया 40 रुपए पर वाट का आपने पैनल लिया तो यहाँ पे आपको 1 KW मिलती है 6 यूनिट। तो खर्चा जो है वो सेम ही है, अगर आपको 6 यूनिट चाहिए तो 6 यूनिट के लिए वहां नंबर ऑफ पैनल आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ पैनल आपको कम लगाने पड़ेंगे। तो 1 से 2 पैनल आप 1 KVA के सिस्टम में ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कितना पैनल कितना जनरेशन करता है। अब इस सिस्टम में जो दूसरी चीज लगती है वो है इन्वर्टर। तो अब इन्वर्टर में जो है, ये मेरे सामने आप 2 टाइप के इन्वर्टर देख रहे हैं, और ये इंडिया के सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर है। अब ये जो ऊपर इन्वर्टर
इन्वर्टर देख रहे हैं, यह है नेक्सस का 1 KVA का 12 वोल्ट का इन्वर्टर। और इस इन्वर्टर पे मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो बनाई हुई हैं, जिन वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने 800 वाट तक का लोड भी इस इन्वर्टर पे लिफ्ट किया है। ये इन्वर्टर PWM टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है और इसमें AVR फीचर हमने दिया है। अब ये AVR फीचर का एडवांटेज ये है कि अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस रहते हैं, 150-160 आपके यहाँ पे वोल्ट रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये दिक्कत है कि आपका जो आउटपुट है वो आपका कम हो जाता है या फिर इन्वर्टर जो है आउटपुट आपका देता ही नहीं। तो इस इन्वर्टर में चूंकि AVR फीचर दिया गया है तो ये खुद से 30% तक आपकी जो ग्रिड के वोल्टेज है उनको स्टेप अप कर सकता है। तो एक तो फायदा इसका यह है, दूसरा 1 किलोवाट का पूरा पैनल आप लगा सकते हैं, और तीसरा यह है कि मात्र एक बैटरी पे आपका 700-750 वाट तक का आप रेगुलर लोड भी इसके ऊपर चला सकते हैं। तो इस इन्वर्टर में आपको जो पैनल लगाना है वो ये वाला पैनल नहीं लगेगा, इसके लिए आपको 420 वोल्ट का 12 वोल्ट का हमसे पैनल लेना पड़ेगा, या फिर मार्केट में आप 12 वोल्ट के पैनल ले सकते हैं। तो 12 वोल्ट के पैनल, 1000 वोल्ट तक के पैनल भी आप इस पीसीयू पे लगा सकते हैं। ये पीसीयू पे आप लेड एसिड बैटरी भी डाल सकते हैं और लिथियम बैटरी भी डाल सकते हैं। आगे वीडियो में आपको लिथियम और लेड एसिड दोनों बैटरियों की प्राइसिंग भी बताऊंगा और फीचर भी बताऊंगा, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। अब ये जो है ये सोलर इन्वर्टर नहीं है, ये सोलर पीसीयू है। पीसीयू का फायदा ये है कि आप खुद से अपने वोल्टेज सेट कर सकते हैं, चार्जिंग सेट कर सकते हैं, आप अपने लोड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सोलर चलाना है, बैटरी चलानी है, ग्रिड चलाना है। तो सारे फंक्शंस जो है इसमें दिए हुए हैं, इसीलिए इसको सोलर पीसीयू बोला जाता है। मात्र 8500 रुपए में आपको ये सोलर पीसीयू मिलता है। अब इसी के साथ जो दूसरी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है MPPT की। तो MPPT के लिए आप ये सामने इन्वर्टर देख रहे हैं, तो ये है नेक्सस का 1 KVA MPPT इन्वर्टर, और ये इंडिया का बहुत ज्यादा पॉपुलर इन्वर्टर में से एक है। ये इंडिया का एक ऐसा इन्वर्टर है कि जिसपे आप 750 वाट का लोड मात्र 12 वोल्ट की बैटरी पे चला सकते हैं, लेड एसिड बैटरी पे चला सकते हैं, लिथियम बैटरी के साथ आप 800 वाट तक का भी लोड चला सकते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट है तो। वरना मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 700-750 वाट से ज्यादा का लोड कभी भी आपको 1 KVA के इन्वर्टर पे नहीं चलाना चाहिए। अब इस पीसीयू की जो खासियत है वो ये है कि इसमें 30% ज्यादा आउटपुट आपको पैनल से मिल जाता है, चूंकि इसके अंदर MPPT जो चार्ज कंट्रोलर है वो लगा है। 1 किलोवाट का पैनल सपोर्ट मिलता है जिसपे आप 1100 वाट तक का भी पैनल लगा सकते हैं, मतलब कि अगर आपको 580 वाट के पैनल लगाने हैं तो करीब 1160 वाट का पैनल बन जाता है, तो दो पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। जो इसकी VOC रेंज है वो है करीब 50, तो मतलब ये है कि दो पैनल आप 580 वाट के पैरेलली, जिसको 24 वोल्ट का पैनल आप बोलते हैं, सामने 24 वोल्ट का ही पैनल है, तो इस पैनल को आप दो पैनल इसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये पीसीयू की खासियत भी वही है कि इस पीसीयू में आप लेड एसिड बैटरी भी डाल सकते हैं और लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं। दोनों के हिसाब से आपको इसमें सेटिंग मिल जाती है। अगर आप लेड एसिड बैटरी पे इसको चलाना चाहते हैं तो लेड एसिड बैटरी की आप सेटिंग कर लीजिएगा, और लिथियम बैटरी पे चलाना चाहते हैं तो लिथियम बैटरी पे आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में एक रिक्वेस्ट आप लोगों को और करूंगा कि बहुत सारे लोग नॉर्मल जो इन्वर्टर है उन पे लिथियम आयन बैटरी लगा लेते हैं, तो कभी भी नॉर्मल इन्वर्टर पे लिथियम आयन बैटरी आप ना लगाएं। अगर आपको नॉर्मल इन्वर्टर पे लिथियम आयन बैटरी लगानी है तो आप उस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन अपने मैन्युफैक्चरर को भेज दीजिए जिसकी भी आपको लिथियम आयन बैटरी लगवानी है। तो वो या तो मैन्युफैक्चरर जो है आपकी पीसीयू की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से BMS को सेट कर देंगे तो आप बैटरी लगा सकते हैं। अगर आप अपने मन से किसी भी पीसीयू पे आप लिथियम आयन बैटरी लगवा रहे हैं तो वहां पे आपकी बैटरी की खराब होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो या तो पीसीयू जो है वो आपका लिथियम कंफर्टेबल हो, अगर नहीं है तो फिर आप उसकी स्पेसिफिकेशन अपने मैन्युफैक्चरर को भेजें, उसके हिसाब से आप अपनी बैटरी बनवाएं। तो अब इसकी प्राइसिंग की बात रही तो 11,300 रुपए में इंक्लूडिंग GST आपको ये पीसीयू मिल जाता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अब ये पैनल हो गया आपका, पीसीयू हो गया, अब इसके साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या चीज है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो है जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है वो आप पीछे देख रहे हैं, ये है नेक्सस की C10 ट्यूबलर बैटरी। और ये एक ऐसी बैटरी है जिसपे नेक्सस ने इंडिया में पहली बार ये बोला कि अगर आप विद इन 5 ईयर इस बैटरी को रिप्लेस करना चाहें तो 50% डिस्काउंट ऑन MRP में हम आपको ये बैटरी नई बदल के दे देंगे वारंटी में। 150 AH की इस बैटरी में आपको 58 kg के अप्रोक्स का वेट मिलता है। और इस बैटरी की मैं आपको खासियत बताऊं तो इस बैटरी की खासियत यह है कि आपको 3+2 करके मतलब 5 ईयर की आपको यहाँ पे वारंटी मिलती है। 3 ईयर में आपकी बैटरी खराब हो जाती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज होकर मिल जाएगी, और अगले 2 साल में आप बैटरी खराब कर लेते हैं। तो ये पुरानी जो बैटरी है तो ये बैटरी आप हमें दे दीजिए और 50% आपसे बैटरी की कॉस्ट का हम लोग लेके नई बैटरी आपको दे देंगे। तो ये तो होगी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत सारे चैलेंज हैं, वो ये है कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपके 2 से 2.5 यूनिट पर रोज बिजली के लगने वाले हैं। और अगर बैकअप की आप बात करें तो 1000 वाट का बैकअप आपको मिलता है, मतलब कि अगर 400 वाट के लोड पे आप अपनी इस बैटरी से बैकअप लेना चाहेंगे तो आपको 2.5 घंटे इस बैटरी पे बैकअप मिलने वाला है।
तो ये तो होगी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। अब इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो है मेरे सामने आप देख रहे हैं, यह है नेक्सस की 12 वोल्ट 100 एएच की लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे आपने रूमर्स सुने होंगे कि साहब लिथियम बैटरी जो है वो जल जाती है, लिथियम बैटरी फट जाती है, आग लग जाती है। वो जो बैटरी में आग लगती है फटती है वो लिथियम आयन से बनी हुई बैटरी होती है, और ये जो बैटरी है ये लिथियम फॉस्फेट की बनी हुई बैटरी है। और जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये प्योर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई इतनी चमकदार बैटरी आप देख रहे हैं, इस बैटरी को फटने की, आग लगने की इसमें कहीं कोई संभावना नहीं है। इंडिया में पहली बार आपको इस बैटरी पे 15 साल की वारंटी मिलती है, और इस बैटरी की अगर मैं लाइफ की बात करूं तो करीब 25 से 30 साल आपको इस बैटरी पे लाइफ मिलने वाली है। अगर मैं बैकअप की बात करूं आपसे तो अगर 400 वाट के लोड पे ये बैटरी 2.5 घंटे का बैकअप देती है तो 400 वाट के लोड पे ये बैटरी आपको 2 घंटे 40 मिनट का बैकअप दे देगी, मतलब कि 150 एच इस बैटरी से आपको ज़्यादा बैकअप मिल जाता है, लाइफ आपको 4 से 5 गुनी ज़्यादा मिल जाती है। और अगर इस बैटरी में मेंटेनेंस की बात करूं तो जीवन भर इस बैटरी में कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं, कहीं कोई पानी नहीं देखना, कहीं कुछ चीज़ आपको नहीं देखनी है। तो फ्रेंड्स इस बैटरी को चार्ज करने में मात्र आपके 1 से 1.25 यूनिट ही लगने वाला है, मतलब कि इतना ही बैकअप आपको इस बैटरी से मिलेगा, वहां पे आपको 2.5 यूनिट लगने वाली है और यहाँ पे 1 से 1.25 यूनिट में ही आपको उतना बैकअप मिल जाएगा, लाइफ टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको लाइफ ज्यादा मिल गई, आपके पावर कंजप्शन कम हो गए और आपको नंबर ऑफ पैनल भी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कम लगाना पड़ेगा। तो आपने मना एक पैनल ये लगा लिया 580 वाट का, एक MPPT का इन्वर्टर लगा लिया और एक बैटरी लगा ली, ये सफिशियंट हो जाता है अगर आपके बहुत ज्यादा लोड नहीं है, मतलब एक पंखा आपको दिन भर चलाना है, टीवी है, लाइट है, तो इतने में आपका ये सारा काम हो जाएगा। पर अगर आप लेड एसिड की बैटरी लगाते हैं 150 या 200 एम्पीयर की लगाते हैं तो आप ये समझिए, तो अगर आपने नॉर्मल 340-350 वॉट का पैनल लगाया हुआ है पोली पैनल, तो एक पैनल में इतना पावरफुल नहीं है वो एक पोली पैनल की इस बैटरी को चार्ज कर पाए, तो आप ये समझिए कि एक पैनल तो आपका केवल बैटरी को चार्ज करने में ही चला जाएगा। तो इसलिए अगर आप लिथियम की बैटरी लेते हैं तो नंबर ऑफ पैनल आपको कम लगाने पड़ेंगे और लाइफ आपको ज्यादा मिल जाती है। तो फ्रेंड्स अब बात रही प्राइसिंग की, तो ये जो बैटरी है नेक्सस की C10 150 एएच की बैटरी, ये 12,500 प्लस GST में आपको मिलती है, और ये जो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी है ये आपको 33,100 रुपए में इंक्लूडिंग GST मिलती है। तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो का कंक्लूजन ये कि ये सबसे लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताई कि सबसे लेटेस्ट इंडिया की टेक्नोलॉजी क्या है, और ये सबसे सस्ती और सबसे लेटेस्ट दोनों टाइप की टेक्नोलॉजी है। अब आपको खुद से डिसाइड कर लेना है कि आपको जो है किस वाले सिस्टम के साथ में जाना है, पैनल आपके पास है, इन्वर्टर आपके पास है और बैटरी आपके पास है। आप इस इन पैनल के साथ में आप ये बैटरी भी लगवा सकते हैं और ये बैटरी भी लगवा सकते हैं, और इस इन्वर्टर के साथ भी आप दोनों में से कोई सी बैटरी लगवा सकते हैं। सिर्फ एक जो फर्क है वो ये है कि इस PCU के साथ में आप 24 वोल्ट का पैनल ना लगवा के 12 वोल्ट का पैनल आपको लगवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर ये पसंद आया हो तो अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ अन्य लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू।